हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए तथा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको बता दें कि यह हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी यह पूछा ही जाएगा, फिक्स है। यहाँ पर केवल अंक चेंज हो सकता है लेकिन सवाल यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करके आपको बताते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे जिसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमें मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है। कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना हम मान लेंगे। अब क्या करना है कि जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, पी बटा क्यू के रूप में, यानी पी बटे क्यू बराबर क्या होगा, कर्णिमेय 5। तो देखिए, परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू का मान 0 नहीं हो सकता, और पी और क्यू एक पूर्णांक है, मतलब दोनों ही पूर्णांक है। तो यहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक है, और यहाँ पर देखिए पी और क्यू का एच सी एफ जो होगा, पी और क्यू का एच सी एफ मतलब मसप क्या होगा, 1, ठीक है। तो यह तो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब एच सी एफ इसका 1 नहीं होगा, अलग कुछ आ गया, तो यह हम कह देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए यही हम अवधारणा यहाँ पर दिखाते हैं कि यह क्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे, मान लीजिए 1 है यहाँ पर, तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, पी बराबर कर्णिम 5 क्यू, ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलिए वर्ग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक, और इक्वल टू, इसका जब यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, कर्णिम 5 है तो कर्णी क्या होगा, हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस 5 को हम इधर इधर भेज सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर यानी 5 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं क्या, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए कैसे होगा, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, मान लीजिए 9 3 से विभाजित है, तो 3 भी तो 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तो केवल पी रहेगा तो भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, पुनः अब पी बराबर मान लीजिए 5r, ठीक है, जहाँ r एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का वर्क कर दीजिए, दोनों का जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो होगा पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इस वाले को, ठीक है। तो अब समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 यहाँ पर दिया गया है, इसमें हमें पी स्क्वायर का मान रखना है, जहाँ पर पी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से 25 आर स्क्वायर इक्वल टू 5
क्यू स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी स्क्वायर, पी स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या रखा, 25r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25 के बटे 5r स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक। तो 5 का 5, 5 बचे 25, कट गया ना। तो यहाँ पर क्या मिल गया, स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 5 इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो अब देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 भी 5 से विभाजित है, यानी पी भी 5 से विभाजित है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्यू भी 5 से विभाजित है। तो जब क्यू और पी दोनों 5 से विभाजित है, तो पी बटे क्यू के अनुसार पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ भी 5 ही होगा। तो जब दोनों 5 से ही विभाजित हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 5 ही होगा ना। तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो अवधारणा है उसके अनुसार तो एचसीएफ का मान 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे जो अवधारणा के अनुसार ये विरुद्ध है, यानी इसमें विरोधाभास प्रयुक्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्णिम 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।